एमएच चिदंबरम स्टेडियम के मिस्ट्री पिच जहां पर रहता है स्पिनरों का बोलबाला। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। विश्व कप 2023 में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। आपको बता दें यह मैच चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी है। अगर अफगानिस्तान ये मैच हार जाता है तो वर्ल्ड कप से करीब करीब बाहर हो जाएगा। यह अफगानिस्तान की पांचवें मैच में चौथी हार होगी। वहीं पाकिस्तान के पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बाबर आजम की टीम अब तक 4 में से 2 मैच जीती है और इतने ही मैच हार चुकी है। अफगानिस्तान की टीम 2 डिपार्टमेंट में पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है। अफगानिस्तान के पास टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बनाने वाले बैटर हैं और उसके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने इस विश्व कप में पावर प्ले में अकेले 7 छक्के मारे हैं, जबकि पूरी पाकिस्तान की टीम ने एक भी हवाई फायर नहीं किया। अब्दुल्ला सफी के आने के बाद जरूर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में राहत मिली है, लेकिन वो भी पावर प्ले में तूफानी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। गेंदबाजी की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मुजीबुर रहमान के रूप में 2 धाकड़ स्पिनर हैं जो आज पिच पर पूरा फायदा उठाएंगे। वहीं मोहम्मद नबी भी बीच के ओवर में आकर विकेट निकाल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी बेअसर रही है। इसी वजह से पिछले मैच में सदाब खान को ड्रॉप करके उस्मा मीर को खिलाया गया, लेकिन वो भी बहुत महंगे साबित हुए और 82 रन दिए। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान उस्मा मीर को स्पिन गेंदबाजी की मुफीद विकेट पर एक और मौका देती है या नहीं। मोहम्मद नवाज और सदाब खान में से कोई एक खेलेगा। शाहीन अफरीदी ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, ऐसे में पाकिस्तान को उनसे उम्मीद भी होगी। वहीं अगर बात की जाए तो कामरान अकमल, मोइन खान और सरफराज अहमद के बाद 2000 वनडे रन तक पहुंचने के लिए विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के पास केवल 13 रन दूर उससे, यानी कि अगर 13 रन दूर वो जो हैं वो बना लेंगे तो 2000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के विकेट कीपर बन जाएंगे। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में अभी तक रिजवान का बल्ला खूब बोला है। जी हाँ, जिस तरीके से अगर बात करें टॉप रन स्कोर में तो रिजवान 3रे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर जिस तरीके से काबिज हैं आपके कप्तान रोहित शर्मा, तीसरे पर मोहम्मद रिजवान। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने अब तक चेन्नई में 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में उसने भारत के खिलाफ ही खेले हैं और दोनों में उसे जीत हासिल हुई है। पिछली बार 2012 में पाकिस्तान ने चेन्नई में भारत को वनडे में हराया था अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में। पाकिस्तान में प्लेइंग 11 भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि उस्मा मीर, मोहम्मद नवाज में से किसी एक को बाहर बैठाया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो ये पिच है स्पिनर के लिए काफी मुसीबत मानी जाती है, स्पिनर के लिए काफी वरदान दायक पिच मानी जाती है। अगर ऐसे में विपक्षी टीम के पास जिस तरीके से राशिद खान हो, जिस तरीके से उनके पास बढ़िया गेंदबाजी करके बीच के ओवरों में विकेट निकालने वाले मोहम्मद नबी हो और जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं उनके स्पिनर मुजीबुर रहमान भी हैं, ऐसे में पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि सदाब खान को टीम में शामिल किया जाए। और ये भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सदाब खान खेल भी सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया वनडे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले 5 वनडे में अफगानिस्तान को हराया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भी तीसरी हार का खतरा मंडरा रहा है। अगर बात की जाए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टक्कर अफगानिस्तान से, बाबर की सेना इस पर लगातार तीसरी हार का खतरा मंडरा रहा है और ये बाबर की टीम बिल्कुल नहीं चाहेगी वो 3 मैच अपने गंवा दें। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ हुए अपने पिछले दोनों मैच गंवाए हैं, ऐसे में आज पाकिस्तान की टीम कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी। पाकिस्तान की टीम जो है उनको जिस तरीके से उनके पास गेंदबाज है, बल्लेबाज हैं, चाहे अब्दुल शफीक की बात करें, इमामुल हक की बात करें, बाबर आजम से आज को सबको उम्मीद रहेगी। मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं। साउद शकील और मोहम्मद नवाज, सदाब खान, इफ्तिकार अहमद, यानी कि इफ्तिकार अहमद अपने नाम के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। सदाब खान को मैच में बाहर बैठाया गया क्योंकि उतनी अच्छी उनकी गेंदबाजी नहीं रही, उतनी अच्छी उनकी बैटिंग नहीं रही। ऐसे में आज इस मैच में जो पिछले मैच में 5 विकेट ले चुके शाहीन अफरीदी से सबको काफ़ी उम्मीदें रहेगी, हसन अली से सबको काफ़ी उम्मीदें रहेगी। हारिस रऊफ जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जितना उनके अंदर पेस है, जिस तरीके से वो गेंद फेंकते हैं, जो रफ्तार है, उनसे भी सबको काफ़ी उम्मीद रहेगी। लेकिन इस मैच में अगर पाकिस्तान को किसी से बचना है तो वो मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान, क्योंकि ये विश्व की ऐसी स्पिन तिकड़ी है जो किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी पक्षी टीम को वो कब धाराशाही कर दे कुछ पता नहीं है। जिस तरीके से उनके पास फजल फारूकी हैं,
अगर बैटिंग में बात की जाए तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है इनके पास, रहमतुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान जिस तरीके से ओपनिंग करने आते हैं और दोनों ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, बीच में रहमत शाह आकर पारी को संभालते हैं और लास्ट में हसमतुल्ला शाहिदी जो अफगानिस्तान के कप्तान है वो भी बढ़िया पारी खेलते हैं और तेज गति से रन बनाने की कोशिश करते हैं। अजमतुल्ला उमरजाई भी एक अच्छे, आप ये कह सकते हैं कि ऑलराउंडर हैं, वो भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। तो ये मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, ऐसे में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले चार मुकाबले में दो मैच हार चुकी है पाकिस्तान, दो मैच जीती है। अगर आज का मैच गंवाएगी तो वर्ल्ड कप में उसकी राह जो है वो थोड़ी आसान नहीं हो पाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उनकी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।